व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी हियर। मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा दो, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लाइंड अप है। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं फुकरा इंसान की नई वीडियो के ऊपर। ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज, 1 लाफ इज इक्वल टू 100 रुपीज। किसको दे रहा? 500 रुपीज, सॉरी, किसको दे रहा? मेरे को दे दे भाई, पैसे ही तो नहीं मिलते रिएक्शन करके। लेट्स रिएक्ट टू दिस, देखते क्या कह रहा है फुकरा। हम करने वाले अपनी पुराने स्टाइल की वीडियो की। अगर एक बार मैं हंसूंगा तो मैं आपको दूंगा 500 रुपए। तो 500 रुपए का कूपन आपके सामने आ जाएगा, जो पहले रिडीम कर लेगा उसके हो जाएंगे। और हाँ भाई, एक ही बंदा रिडीम कर सकता है, बाद में मत कहना फेक कूपन कोड्स। भाई रियल कूपन कोड्स होते हैं, जो पहले बंदे आके वसूल लेते हैं वो ले जाते हैं। तो हर बार हंसने पे 500 रुपए। हम कोशिश करेंगे हम ना हंसे, मैं पैसा बचाऊंगा, तुम कोशिश करो पैसा ना बचे। लूटो। यू हैव टू चूज एनी वन एक्टर फ्रॉम बॉलीवुड टू गो ऑन डेट विद, whom you will go on date? I have 3-4 people. Siddharth Malhotra, Ranbir Kapoor, Varun Dhawan. Yes. A few minutes later. Do you want to take Pavitra somewhere out on date? I don't know about Jethalal, but as a Dilip Joshi, of course not. Oh. Jethaji won. Oh. बबीता जी 0, guys. As a Jethalal, he's a simp. But as a Dilip Joshi, man, he's a hero, stud, man. यार अभी अभी ना मेरे बेस्ट फ्रेंड को किसी वाइट एंड गिवर ने उड़ा दिया। चल यार तू ध्यान रख। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली। 300 words on essay. Oh my god. Nothing to say about that. I was playing music on Radha's phone on YouTube, okay? उसके हिस्ट्री में पता है क्या था? एक सेकंड। 300 words on essay. Oh my God. सही है, किसी को भी मार दो फिर बाद में 300 words का essay लिख दे आदमी। Nothing to say about that. I was playing music on Radha's phone on YouTube, okay? उसके history में पता है क्या था? Virat Kohli aggression videos. भाई क्या है ये? क्या क्या लिख रखा भाई ने? Girls be like Virat Kohli aggression video and Ryan Parag be like Ananya Pandey hot. Sara Ali Khan hot. Parag bhai theek hai, kya kar kiya tha kya? Dobara dekhta hu. Girls be like Virat Kohli aur oh acha ye Ryan Parag hai, ye kabhi leak hua be? सारा अली खान हॉट, अनन्या पांडे हॉट। ओ भाई। गर्ल्स बी लाइक विराट कोहली अग्रेशन वीडियो एंड रियान पराग बी लाइक अनन्या पांडे हॉट, सारा अली खान हॉट। पराग भाई ठीक है, क्या कर रहे हो यार? अभी तो तुम्हारे को वर्ल्ड कप खेलना है आने वाले टाइम में, ऐसे करोगे तो दिक्कत ना हो जाए यार। मतलब अगर तुम देखो ठीक है, सर्च कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे पब्लिकली इस चीज को दिखाओ बस यार। बहुत ही गलत चीज है ये, पब्लिकली ऐसे बाहर आना यार तुम्हारे करियर पर इफेक्ट करेगा, अच्छी चीज नहीं है मेरे भाई, समझो बात को यार। गाइस यहाँ पर आएगा 500 रुपए का एक कूपन, आएगा 100 रुपए के 5 आएंगे, तुम देख लेना। मेरे एडिटर जी को मैं बोल दूंगा लगाने को, लूट लो। नेक्स्ट, सारा अली खान विद अनन्या पांडे बुक्ड बाय पराग बेबी। जब भी कॉफी विद करण होगा तो 100% okay. जरूर आएगा अगर ये दोनों साथ आने वाली है। एंड रियान पराग भी लाइक वाओ, हुक्का का मजे ले रहा हूं, तो तुम दोनों चूहा बिल्ली क्या बोल रहे? पिल्ले मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हुक्का का मजा आ रहा है चूहे साले, जिस दिन मुझे साले फॉर्च्यूनर बांध के सीधा घसीटता ले जाऊंगा उत्तर प्रदेश। क्या है ये, क्या है ये, कहां से आता है, कौन सी दुनिया का आदमी है बे? जिस दिन मुझे साले फॉर्च्यूनर बांध के सीधा घसीटता ले जाऊंगा उत्तर प्रदेश। अरे रुको जरा, सबर करो। सुनो अरे जोगिंदर भाई, इसको फॉर्चूनर पे मान के क्यों फॉर्चूनर की बेइज्जती करानी है? इसको साले के गधे पर ऊपर बैठा के ले जाएंगे इसे। इसे कारो भाई जोगिंदर, तूने बहन की शादी दिखा दी, सुहाग रात कब दिखा रहा है बता? हारा भाई जोगिंदर और पुनीत के लेवल पे सिर्फ दीपक कलाल इनकी ऐसी की तैसी फेर सकता है, क्योंकि भाई दीपक कलाल कैन गो टू एनी एक्सटेंट इनकी ऐसी की तैसी करने के लिए। मैं अभी देख रहा था क्या क्या चीजें बोल देता दीपक कलाल को, नेक्स्ट लेवल है भाई वो बंदा। बट इनके आधे से ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज होते हैं स्क्रिप्टेड होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। तू रात में कॉफी क्यों पी रहा है? क्योंकि हमें काम करना है। ये पी रहा है, पी रही है। ये इतना बड़ा स्वेट टी शर्ट है ना, इसमें दो तुम भी फिट हो जाओ। अच्छा चेक करते हैं, मैं नीचे से ऐसे नीचे से घुसूंगा ना, राइट ऐसे तो अंदर से घुसूंगा ना ऐसे। हाँ हाँ, और इधर से निकलेगा ना? नहीं मैं बीच में रुक जाऊंगा।
रचित भाई तुम्हें क्या हो गया है भाई? आज से 2 साल पहले मैं रचित भाई को देखता था, रचित भाई वॉज द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड स्वीटेस्ट गाय, मतलब इतना शरीफ आदमी था, और इसके बाद अब ये बीच में रुक गए। मेरा मतलब वो नहीं था कमीनो, ये भाई तो एकदम गिरा हुआ बंदा जमा नीच बल्ली हो चुका। क्या क्या चीजें बोल देता है भाई स्क्रीन पे, मैं हद है यार, क्या बोल रहे हो यार रचित भाई? मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ रहा था, लोग कह रहे हो अरे भाई अरे ये अंधेरा क्यों हो गया एकदम से, हेलो हेलो हेलो, ट्रैकिंग कैंसिल कर दी मैंने, अब नहीं होगा शायद, थोड़ा और अच्छा हो रहा हूँ मैं टेक में, इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक टेक चैनल खोल दूंगा। इस क्या बताओ तुम, क्या कहते हो मुझे टेक चैनल खोलना चाहिए? जैसे ही मैं टेक चैनल खोलूंगा तो फिर मैं टेकिया हो जाऊंगा। कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस है नहीं। गाइस तुम मुझे बताओ कि रचित रू बिगड़ा है नहीं बिगड़ा? अनन्या थी इसलिए बच गया अनुष्को। ओह माय गॉड गाइस, आई कांट इवन इमेजिन रयान पराग का भूत बन जाता भाई। परफेक्ट न्यूज़ डजंट एग्जिस्ट। एग्जैक्टली। ओहो ओके, झरना लग जाए जानू। अब एक फ्रेम देखो, परफेक्ट फ्रेम, कैसे अमिताभ जी रेखा जी को देख रहे हैं, फिर से एक बार नजर उतार लूं। भाई मैं तो भूल ही गया, मेरे को हंसने पे 500 रुपए देने थे यार। ओ, मैं अभी तक हंसा हूं, अगर हंसा हूंगा तो पीछे वही मैं बोलने ही लगा था कि पिछली बार भी भैया हंसे हैं लेकिन उन्होंने कुछ दिया नहीं। 500 रुपए आगे होंगे, नहीं हंसा तो नहीं आएंगे भाई। मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया, दहेज भी नहीं दिया, ऊपर से दाल में नमक कम डाला था। क्या कर रहा है भाई? ने बेल्ट निकाल ली, बेल्ट। सलमान आपकी फिल्म कल रिलीज हो रही है, एक सलमान खान फिल्म जो होती है उसकी एडवांस बुकिंग काफी हो जाती है, टिकट्स अवेलेबल नहीं होते, पर आपकी फिल्म की टिकट्स अभी भी काफी अवेलेबिलिटी है कल के लिए, तो क्या रीजन क्योंकि है? आप नहीं गई टिकट लेने, अगर आप चली जाती तो ये सवाल उठता ही नहीं। ये ईगो पे आ जाती है सलमान खान के, तुम्हें पता है? मत छोड़ो यार, क्या बोलूं, गाली देने का भी मन नहीं करता इस बात पे तो यार, सच्ची ईगो पे ले लेते बात को। सल्लू भाई फॉर अ रीजन, सल्लू भाई बी लाइक, तुम जो भी बोलोगे हम उसको पॉजिटिवली कर लेंगे भाई। ओए क्यूटू, चलो चलो टैक्सी से आपको जाना है, आपको उसमें जाना है। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था ये फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए। अरे पैसे कहाँ है रे 500 रुपया? ये फिर हंसा था अभी, इसको हंसना ही बोलेंगे? मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था ये फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। मेरे को अगले दिन जब मैं नागपुर वापस आया, अगले दिन पता चला कि डॉली तूने किसको चाय पिलाया। आ गया कूपन, आ गया, शुक्र है। ए, एक बार तुम ना वैसे जेन्युइन ये वाला मीम वापसी देखो, देखो 500 रुपए तो आ गए होंगे, आई डोंट माइंड लूजिंग 500 रुपए, बट एक चीज देखो वापसी। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था ये फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। मेरे को अगले दिन जब मैं नागपुर वापस आया, अगले दिन पता चला कि डॉली तूने किसको चाय पिलाया। डॉली भाई गलत चाय पिला दी इस बार। हार्दिक भाई यार तुम अच्छे बंदे हो यार, बस इस बार वर्ल्ड कप जितवा दो इंडिया को यार, प्लीज यार, मतलब रिक्वेस्ट है यार। मैंने ये हैवी बैट के साथ खेलना चालू किया था, लेकिन इंजरीज के बाद उन्होंने एसएस ने एक्चुअली मेरे लिए स्पेशल बैट बनाया था। वो बहुत स्पेशल बैट्स बनाते ही रहते हैं। नहीं 950 ग्राम्स का था, क्योंकि दिस इज 1150। या लो जी कवर ड्राइव आ रहा है, ये कवर ड्राइव। ओहो नहीं थी, पीछे से आवाज देखो कैसे निकल रही है। उफ क्या कवर ड्राइव मारा है भाई ने आज तक। सचिन तेंदुलकर की कवर ड्राइव भी भाई भूल गया, जानवी कपूर की कवर ड्राइव देखने के बाद। तुमने ये पूरी वीडियो नहीं देखी भाई, आगे कहता है पुल शॉट भी मार के दिखा दो। उफ आय हाय हाय हाय, यही तो है, यही तो है, यही तो शॉट देखना बाकी था। तो गाइस अब हम इधर से मीम्स खेलेंगे, देखो मीम इधर चल रहा है। हम सबसे ज्यादा गंदे जोक्स और सबसे ज्यादा चीजें कमेंट पे ऐसे लिख देंगे किसी लड़की के लिए, किसी लड़के के लिए, जैसे हमें फर्क नहीं पड़ता वो कल का मरता आज मरता है। यहाँ तक कि सर मैंने लोगों के एक्सीडेंटल वीडियोस देखे हैं, उसके नीचे फनी कमेंट देखे, हंसी आ गई मुझे। बहुत फनी थे। मैं गिरा होया बंदा यार, ऐसा एक्चुअली होता है यार, सच बता रहा हूँ, मजाक से हटके। इंटरनेट एक ऐसी जगह बन चुका है जहाँ पर कोई कुछ भी कमेंट करता है, उसको पता है भाई मेरी कोई आइडेंटिटी तो है नहीं, कमेंट करके भाग जाओ। मतलब जो सबसे सीरियस वीडियोस होते हैं उसके नीचे सबसे फनीएस्ट एक्चुअली वो सबसे ज्यादा लाइक्ड भी होता है। किसी भाई 500 और स्पेसिफिकली ऑथेंटिक होने का ज्ञान भी वो लोग चोते हैं जिनकी आईडी खुद किसी और के नाम पे बनी है।
भाई साहब अलग लेवल है। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है, कॉमन सेंस। आप बातें कर रहे हो, मोदी है तो जीडीपी है भाई, मोदी नहीं है तो जीडीपी नहीं है। ये आपकी दुकान है? हाँ मेरी चाय की दुकान है, दो चाय ले आओ प्लीज। ओ भाई हाँ, क्या जीडीपी? जिस देश में मोदी है उस देश तरक्की पता, जीडीपी जाने की जरूरत ही नहीं है भाई, मैगी पिलानी है भाई। बी लाइक मैगी बनाना वॉज पर्सनल भाई, एक्चुअली मैगी बनाना वॉज भाई जीडीपी लिटरली। उठा के वापस यहाँ रख देता हूँ, आज मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, बट मुझे मजा आ रहा है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल होता है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल होता है। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है। पर था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से। ओके इसमें तो हंसी नहीं आई यार, बेचारा बच्चे में गांधी जी को क्यों भाई क्यों, छोड़ दो यार मीम्स वालों, छोड़ दो। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे घर बिस्किट के डब्बे में। ब्रो शी डिडंट इवन हेजिटेट ब्रो, व्हाट इज दिस ब्रो? मैं बता सकती हूँ इंडस्ट्री में सबसे कंजूस कौन है? कौन? चंकी पांडे। यार चंकी पांडे, हाँ वो तो। आई स्वेयर मेरा फोन लाओ, मैं अभी उसको फोन करके 500 रुपए मांगूंगी। फोन दो जरा, स्पीकर पे डालना मैम। स्पीकर पे डालती हूँ, कितना मांगू बोलो। चंकी हाय। हाय फारा। फारा चंकी यार लिसन, आई नीडेड 500 रुपीज। तो गो टू द एटीएम नो। पांडे जी, अरे यहाँ अंधेरा क्यों हो गया एकदम से? अरे आज मेरे कैमरे की ऐसी की तैसी क्यों है भाई? उन्होंने सारे पैसे अनन्या को देके रियाक के पास भेजा है। Okay, I'll keep you here, baby. So, चंकी पांडे जी इतने कंजूस है कि वो 500 रुपए भी नहीं देते हैं। तो रैन पराग जी समझ लीजिए रिश्ता अच्छा नहीं है। किडनी कहाँ पे होती है कोई बताएगा मुझे? चलो आप मुझे ना रोक देना, किडनी कहाँ है ठीक है भाई साहब? स्टॉप बोल देना बस, जल्दी बोलना। ये क्या चल रहा है? I knew it. मतलब मैंने आजकल मीम्स से पहले ही समझ जाता हूँ क्या होने वाला है। तुम भी तो परी हो, इधर से कैटरीना कैफ, उधर से मोहम्मद कैफ, इधर से प्रीति जंटा, उधर से 200 रुपया घंटा। भाई कोच पे आई एम गोना कंट्रोल माय लाफ नाउ, मुझे लगता है मैंने ज्यादा रुसवत करवा दिया यार। रिया को मत निकाल, आ गया नोटी, रिया के पीछे क्यों पड़ा है भाई तब से? ये बंदा फॉर रियल तेरे पीछे पड़ा है इतनी देर से, कितना घुस, कितना घुस रिया, कितना घुस रिया। रन रन क्या, रन आफ्टर सक्सेस नॉट रिया। मैं बता रहा हूँ आई शो स्पीड बनना चाह रहा है भाई, सच्ची में बहुत जल्दी। मैं नेक्स्ट कौन सी कंट्री जाना चाहता हूँ? जापान। भगवान नहीं गाइस दोनों गलत है, अरे कुछ भी, मैं जाना चाहता हूँ थाईलैंड। सौरभ भाई तुम थाईलैंड जाओगे तो सबसे पहले कुनाली को ले जाना, क्योंकि असली मर्द तो वही है। अरे भाई एपिक चैट बॉयज, बहुत बड़ा आदमी है यार, मैं सक्सेस की बात नहीं कर रहा। साथ में अभी बाउंसर आया, पता ही लगा गौरव तेजा है कौन सा। अगर कोई अपने साथ में अपना बच्चा लाया तो प्लीज मेक श्योर के बोल। एंड कसम से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, आई वॉज जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो, I was just watching this video. ये देखो मैं यही वीडियो देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले बैठ के, बीच में ही है अभी, वॉच इट कम्प्लीटली। ये साइड पे पड़ा था, रोए नहीं बच्चे के रोते ही ये वीडियो निकाल लेते हैं। किसी ने बोला ये अपने बच्चों के पापा नहीं पावराजी है। ओके ओके 500 मोर, मुझे लगता है मुझे गलत वीडियो पे आज कर लिया, या फिर मुझे आदत इतनी हो चुकी है हंसने की कि मैं छोटी छोटी बातों पे हंसने लग जाता हूँ। यार व्हाट इज दिस, दिस इज अ मिस्टेक। गर्ल्स आफ्टर लूजिंग वन सीजन, बॉयज आफ्टर लूजिंग 17 सीजंस। यस बट फिर भी बॉयज को 17 सीजन लूज करने के बाद भी एक उम्मीद होती है कि अगला सीजन वो फिर से जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि वी आर आरसीबी फैन ब्रो। भाई वीडियो बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी सब्सक्राइब करके बताओ, एंड मुझे बड़ा मजा आया वीडियो देख के, अच्छी थी वीडियो, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, विल सी यू इन अनदर वीडियो गाइस। जय हिंद, मिलते हैं बहुत जल्दी।